वातावरण प्रदूषण निवारण। बच्चों, अब हम वातावरण प्रदूषण की सूची बनाएंगे। महोदय, वातावरण प्रदूषण के कारण है प्राकृतिक संपदा की अत्यधिक उपयोग व लापरवाही से बर्बादी। पेट्रोलियम, कोयला और लकड़ी जैसे ईंधन को जलाना, जिससे गर्मी व हानिकारक गैस उत्पन्न होती है। रासायनिक खाद्य तथा जंतुनाशक जैसे कृषि रसायनों का उपयोग। गंदगी और बेकार पदार्थ को खुली जगह में फेंक देना। बहुत अच्छे। इसके अलावा जनसंख्या का ज्यादा बढ़ना भी एक प्रदूषण का महत्वपूर्ण कारण है। आओ हम प्रदूषण के कारणों को ढूंढें और अन्वेषक करें कि कैसे निवारण करें। आज एक गांव में जाएं और समझें कि क्या ग्रामीण इलाके में वातावरण प्रदूषण की कोई समस्या है कि नहीं। जैसे हम गांव की पगडंडियों और खेतों पर चलेंगे, हम समस्याओं की सूची बना सकते हैं। उपजाऊ मिट्टी का कटाव, जंगलों में पेड़ों की कटाई, जल और वायु प्रदूषण, हमारी प्राकृतिक संपदा लापरवाही और बेकार उपयोग करने के तरीके से नष्ट हो रही है। हमें पशुधन और मानव जनसंख्या पर नियंत्रण रखना चाहिए। छोटा परिवार सुखी परिवार। बहुत अच्छा। आओ एक एक करके निरीक्षण करते हैं। सबसे पहले हम भूमि संरक्षण की समस्याओं को देखते हैं। बंजर भूमि गांव का वायुमंडल धूल धूसरित और गर्म बनाती हैं। बिना हरे ढकाव के भूमि वर्षा की बूंदों को थाम नहीं सकती, इसलिए हमें उपयोगी पेड़ और झाड़ घर के आसपास, सड़क के किनारे, खेतों की मेढ़ों पर, बंजर भूमि पर लगाने चाहिए। पेड़ बहुत से उपयोगी उत्पाद बनाते हैं। महोदय, भूमि और जल प्रदूषण के कारण क्या समस्याएं होती हैं? मिट्टी ज्यादातर कम उपजाऊ हो जाती है, उतना कटाव के कारण प्रदूषित नहीं होती। सतह पर कंकड़ पत्थर देखो, इसलिए मिट्टी ने अपनी उर्वरता खो दी है। इसका कारण है हमने खेतों में लापरवाही की, जिससे अच्छी मिट्टी बह गई है। महोदय, इसका मतलब मृदा प्रदूषण भी जल प्रदूषण का कारण है। तुम सही हो। इस गांव के तालाब की ओर चले अब, जहां से ज्यादातर गांव वाले पीने के लिए पानी लाते हैं। वर्षा का पानी खेतों से होकर इस तालाब में एकत्रित किया जाता है। भूमि में घरों के पानी, मलमूत्र, कूड़ा और रासायनिक गंदगी को फेंका जाता है। भूमि से बहता वर्षा का पानी इनके संपर्क में आकर संक्रमित हो जाता है। ये प्रदूषित पानी तालाब में जाता है, इसलिए ऐसे तालाबों का पानी पीने योग्य नहीं रहता। जब लोग ऐसे पानी को पिएंगे तो संभावित है बीमार पड़ेंगे। महोदय, स्वच्छता के बारे में क्या? अच्छा प्रश्न है ये। ये एक दूसरी गंभीर समस्या है। देखो, हम कुछ घरों में जाते हैं। आओ देखो कैसे घर के कचरे को खुली जगह में फेंक दिया है। ऐसा नहीं करना चाहिए। बजाय के सड़क पर फेंकने के, कूड़ा कचरा और कृषि के व्यर्थ पदार्थों का उपयोग पौधे के पोषक वर्मी कंपोस्ट और खाद के रूप में बनाया जा सकता है। देखो, कुछ बच्चे सड़क के किनारे मलत्याग के लिए बैठे हैं। गांव में घर के अंदर और इर्द गिर्द प्रदूषण का क्या? क्या हम कुछ घरों को मुआयना करें? इधर आओ बच्चों। अब हम इस घर में अंदर जाते हैं और ग्रामीण घरों के इर्द गिर्द प्रदूषण के कारणों की पहचान करते हैं। बहुत से गांव वाले कम छत वाले घरों में बिना खिड़की के रहते हैं, इसलिए कमरों में अंधेरा है, ताजी हवा का प्रवेश नहीं हो पाता है। अब आइए ये रसोई घर देखें। यहां तो पहले ही अंधेरा है क्योंकि कोई खिड़कियां नहीं है। इससे बचाव के लिए बड़ी खिड़कियों को दीवार के चारों ओर लगा होना चाहिए। इससे ताजी हवा का प्रवेश होगा तथा ताजा हवा की गति सही होगी। घर की छत पर एक या दो शीशे के खपरे लगाने से रसोई घर में पर्याप्त रोशनी रहेगी। घर को साफ रखा जा सकता है। इसलिए महोदय, बेकार पानी के उपयोग से ज्यादा पेड़ लगाकर हमारे गांवों को स्वच्छ रखने में मदद कर सकता है। हाँ, मैं तुम्हें एक लड़की नीरू की कहानी बताता हूँ, जिसने पेड़ लगाकर अपने परिवार की किस्मत ही बदल दी। नीरू नाम की एक लड़की थी। वो अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। एक दिन नीरू के पिता अपने खेतों की फसल गेहूं के थैले लेकर शहर बेचने के लिए गए।
लौटते समय उनकी जेब पैसों से भरी थी, इसलिए वो अपनी प्यारी बिटिया नीरू के लिए आमों की एक टोकरी खरीद कर ले आए। बेटी, ये तुम्हारी वर्षगांठ का उपहार है, आज तुम 4 साल की हो गई हो। नीरू ने पहले कभी आम खाए ही नहीं थे, उसके लिए यह एक नया अनुभव था। उन जायकेदार आमों का स्वाद लेते हुए नीरू ने अपने पिता से पूछा, बापू, शहर में ऐसे मीठे आम कौन बनाता है? नीरू के पिता मुस्कुराकर बोले, बेटी, ये फल है फल, ये पेड़ों पर लगते हैं। नीरू की मां ने बाप बेटी की बातों में हिस्सा लेते हुए कहा, ये तो बड़ी सीधी बात है, जब जमीन में बीज बोए जाते हैं तो उनमें कोपले फूटती हैं और अच्छी देखभाल करने पर वे नन्हे से पौधे बड़े पेड़ बन जाते हैं और उन पर फल लगने लगते हैं। अच्छा, तो क्या ये बीज पेड़ उगा सकता है? नीरू ने उस रसीले आम की गुठली को चूसते हुए पूछा। हाँ, क्यों नहीं, तुम कोशिश करके तो देखो, पिता ने कहा। अच्छी बात है, तो मैं इस बीज को बोकर देखूंगी कि वो किस तरह पेड़ बनता है, माँ ने कहा। लेकिन तुमको उसकी अच्छी देखभाल करनी पड़ेगी, एक छोटे बच्चे की तरह। तो नीरू ने बीज को पानी देना हर रोज जारी रखा, बिना आसपास की जमीन पर छेड़छाड़ किए। 2 सप्ताह बाद नीरू ने जमीन में से एक कोमल नन्ही डाली पर 2 गुलाबी पत्तियों को निकला हुआ देखा। वो खुशी से झूम उठी। उसने पौधे को देखने के लिए अपने माँ बाप को बुलाया। नीरू ने अपने माता पिता से उस पौधे की देखभाल की जानकारी चाही। माता पिता ने उसे बताया कि गर्मी के मौसम में वो नियमित रूप से उसे पानी दे और बरसात में खाद, जिससे वो अच्छी तरह से पनप सके। नीरू ने बड़ी मुस्तैदी से उस पौधे की देखभाल शुरू कर दी। नीरू हर दिन उस पौधे की निगरानी करने लगी। कुछ ही दिनों में वे गुलाबी पत्ते हरे हो गए। 2 वर्ष के बाद वो पौधा नीरू से भी ऊंचा हो गया। बहुत सी डालियां उसमें निकल आई और उनका एक झुंड सा बन गया। नीरू अब स्कूल जाने लगी। स्कूल जाने से पहले वो अपनी माँ से पौधे की निगरानी के लिए कहती। एक दिन जब घर में आसपास कोई भी नहीं था, एक बकरी वहां पर घुस आई और उस पेड़ के सब हरे पत्ते खा गई। नीरू जब स्कूल से लौटी तो उसने अपने पेड़ को बुरी हालात में पाया। नीरू को इस बात से बड़ा दुख हुआ और वो रोने लगी। नीरू के पिता ने उस पेड़ के आसपास कटीली बाड़ लगा दी और इस प्रकार पेड़ को सुरक्षित कर दिया। 5 साल हो गए और वो पेड़ बड़ा ऊंचा हो गया। उसने पिछवाड़े का बहुत सारा बड़ा हिस्सा अपनी डालियों से घेर लिया। आसपास के इलाके में इससे बड़ी ठंडक हो गई। पेड़ ने नीरू और उसके मित्रों को खेलने के लिए अच्छी छाया दी। वसंत ऋतु में नीरू ने देखा कि मंजरियों वाली नई शाखाएं अब पेड़ पर निकल आई हैं। वो प्रसन्नता से उछल पड़ी और अपने माता पिता को बुलाया। उसके माँ बाप भी बड़े खुश हुए। 2 महीने बाद फल बड़े हो गए। गिलहरियां उन्हें तोड़कर खाने लगी। नीरू, आम अब पकने लगे हैं, ये प्राणी इनको खा जाए इससे पहले हमें इन्हें तोड़ लेना चाहिए, नीरू के पिता ने कहा। फिर नीरू के पिताजी एक लंबी लकड़ी जिसमें एक जाली और हुक लगा हुआ था ले आए और सब पकने योग्य आमों को उन्होंने तोड़ लिया। अभी कुछ आम कच्चे थे। नीरू की माँ ने फलों को साफ किया और घास बिछाकर उन्हें कोठरी में पकने के लिए रख दिया। 4 दिनों में फल पकने लगे। वे नर्म और पीले हो गए। उनकी महक सारे घर में फैल गई। ये घर के लिए एक दावत ही थी। कुछ दिनों बाद नीरू की वर्षगांठ फिर आई। उसने अपने दोस्तों और पड़ोसियों को दावत के लिए बुलाया और उसने अपने पेड़ के स्वादिष्ट फल पेश किए। कुछ बच्चे आम की गुठलियों को अपने घर ले गए और उन्होंने अपने घरों के पिछवाड़े में उन्हें बो दिया। आम का पेड़ सालों साल बड़ा होता गया और बहुत से फल उस पर अब लगे।
नीरू के बच्चे आम के पेड़ ने उसके घर में और सारे गांव में खुशियां लाई। गांव में हरियाली थी और बहुत से आम भी सभी के लिए थे। शहरी इलाकों के प्रदूषण को जानने के लिए शहर की ओर घूमेंगे। शहरों में वातावरण प्रदूषण के क्या कारण हैं? रीता, शहरों में वातावरण प्रदूषण के कारण हैं वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और सफाई की कमी। इस सड़क पर तुम बहुत आसानी से वायु प्रदूषण महसूस कर सकते हो। ये वाहनों और कारखानों द्वारा उत्पादित धुएं और जहरीली गैस के कारण होता है। ऐसी गैसों को श्वास में लेने से गले और फेफड़े की कई बीमारियां हो सकती हैं। महोदय, शहरों में रहने वालों की क्या किस्मत होगी फिर? अनिता, वे सब तो नष्ट हो जाएंगे यदि प्रदूषण और सार्वभौमिक गर्मी को रोका ना गया तो। हम कैसे प्रदूषण और सार्वभौमिक गर्मी को रोक सकते हैं? ये मोटर गाड़ियां बहुत आवाज करती हैं। कारखानों, गाड़ियों और लाउड स्पीकरों की आवाज मुख्य प्रकार की ध्वनियां हैं। हमें आवाज नहीं करनी चाहिए, इससे हमारी सेहत पर असर पड़ता है। जल प्रदूषण के बारे में क्या महोदय? अच्छा प्रश्न किया तुमने। देखो कैसे लोग पानी को व्यर्थ करते हैं। वे नल को बंद करने का भी कष्ट नहीं करते। हमें पानी को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। व्यर्थ पानी गंदा पानी बन जाता है। निष्कासन नलियों की गैर मौजूदगी में गंदा पानी खुले नालों में ठहर जाता है और हानि पहुंचाने वाले कीटाणु और कीटों का प्रजनन करता है और बदबूदार गंध छोड़ता है। पानी पीने की नलियों में रिस कर ये पानी योग्य पानी को प्रदूषित करता है और बहुत सी बीमारियां भी फैलाता है। इसलिए पानी की बर्बादी पर रोक लगा के हम गंदे पानी की मात्रा भी कम कर सकते हैं। गंदे पानी को नदी में डालने से पहले हानिकारक कीटाणु को मारने के लिए अभिक्रिया करनी चाहिए। शहरों में विशेष गंदा पानी अभिक्रिया के संयंत्र हैं। व्यर्थ पानी को साफ करने के लिए बनाए गए हैं। कारखानों द्वारा निष्कासित प्रदूषित पानी का क्या महोदय? कारखानों से उम्मीद की जाती है कि वे निसारी को नदी या सिंचित फसलों में छोड़ने से पहले हानिकारक रसायनों को निकालने की अभिक्रिया करें। लेकिन बहुत से कारखाने ऐसा नहीं कर रहे हैं महोदय। हम नागरिक के रूप में ऐसे प्रदूषित कारखानों के विरुद्ध सरकारी अधिकारियों से शिकायत करने का नेतृत्व ले सकते हैं। शहरों में प्रदूषण के अन्य क्या कारण हैं महोदय? शहरों में प्रदूषण के अन्य कारण सफाई की कमी है। सड़क के किनारे, जैसा तुम देख रहे हो, कचरा फेंकना एक आम समस्या है। लोग खुले मैदानों में बेकार पेपर, प्लास्टिक ग्लास और रसोई घर का कचरा फेंकते हैं। नगर पालिका से अपेक्षा की जाती है कि वे सड़क के किनारे कूड़ेदान रखें और नागरिकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे घरेलू कचरा उसमें फेंकें। अगर हम सफाई पर ध्यान ना दें तो बहुत सी मृतक बीमारियां शहरों में फैल सकती हैं। ऐसा पुराने दिनों में हुआ था। सूरपुर एक बड़ा शहर था जहां अच्छी सड़कें, विद्यालय, महाविद्यालय, अस्पताल और बहुत सारे बाजार भी थे। अमीर लोगों ने वहां पर अनेक कारखानों की शुरुआत की जो टीवी, फ्रिज, मोटरसाइकिल, कार और बहुत सी खान पान की चीजों का उत्पादन करते थे। बहुत से लोग इन कारखानों में काम करते थे। बहुत से गांव वाले नौकरी की तलाश में वहां आने लगे। गरीबी की वजह से वे नदी किनारे या फिर सड़क के किनारे झोपड़ियों में रहने लगे। जैसे जैसे वर्ष बीते, सूरपुर की जनसंख्या बढ़ने लगी। शहर पास के गांवों तक फैलने लगा। लोगों ने कार और वाहनों को खरीदा जिससे वो दूर दूर की जगहों पर यात्रा कर सके। बहुत से वाहनों के कारण सूरपुर एक शोर शराबे का शहर बन गया। बहुत से कारखाने भी काफी ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न कर रहे थे। उच्च रक्तदाब, सिरदर्द, बहरापन, ध्वनि प्रदूषण के कारण लोगों को ऐसी बीमारियां होने लगी। कारखाने जहरीली गैसों, कचरे और व्यर्थ पानी को नालियों में निष्कासित करके वातावरण को प्रदूषित कर रहे थे। वाहन भी जहरीला धुआं निष्कासित कर रहे थे जिससे गले में जलन, अस्थमा
खांसी और फेफड़े संबंधी बीमारियां लोगों को हो रही थी। कारखानों से निष्कासित व्यर्थ पानी में कई हानिकारक जीवाणु थे। नदी के किनारे रहने वाले लोगों ने इस प्रदूषित पानी को पिया, जिससे ज्यादातर लोग हैजा, शीतज्वर, पीलिया, अपचन ऐसी अन्य बीमारियों से ग्रस्त रहने लगे। नगरपालिका हर रोज इकट्ठे हुए कूड़ों को फेंक नहीं पाई और सड़ा हुआ कचरा बदबू छोड़ने लगा। कचरे के ढेर ने मक्खियां, कीड़े, चूहे और जीवाणुओं का प्रजनन बढ़ाया। कई सारी बीमारियां शहर में फैलने लगी। बढ़ते प्रदूषण के कारण बहुत से लोग कई बीमारियों से परेशान रहने लगे। बच्चे विद्यालय में अनुपस्थित रहने लगे। बड़े लोग अपने कार्य पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए, जिससे उनके वेतन में कटौती शुरू हो गई। शहर शांतिपूर्वक रहने के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं रहा। लोगों ने यह जाना कि सूरपुर में स्वच्छ वातावरण और साफ पानी होना चाहिए। विशेषज्ञों द्वारा दिए सुझाव सभी को स्वीकृत हुए, जैसे कि कचरे को पुनः निर्मित करें, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण को कम करें और अपने वातावरण को स्वच्छ रखें। धीरे धीरे सूरपुर साफ और हरा भरा बन गया। रास्ते के किनारे बढ़ते पेड़ों से शहर अब सुंदर लगने लगा। प्रकृति के वैभव का आनंद उठाने के लिए बहुत से नागरिकों के लिए ये एक नया अनुभव था। बच्चों, याद रहे, शहरों में प्रदूषण कम करने का मूल हल है व्यर्थ ना गवाएं, प्लास्टिक की पन्नियों का उपयोग ना करें, व्यर्थ पदार्थ सड़क पर ना फेंकें, अपने वातावरण, पार्क, पिकनिक के स्थल, स्कूलों को साफ रखें, इमारतों के इर्द गिर्द, सड़क के किनारे और सार्वजनिक जमीनों पर वृक्षारोपण करें। यदि जमीन पर पेड़ लगाने का स्थान ना हो तो बरामदों में गमलों पर फूल लगाएं। इससे आंखों को राहत मिलेगी और वायुमंडल ताजा और साफ रहेगा। व्यर्थ में गाड़ियां ना चलाएं। ईंधन की बचत करें और गर्मी कम पैदा करें। एक छोटा परिवार सुखी परिवार है। साफ वातावरण न केवल हमको आराम देगा बल्कि हमारे बच्चों के भविष्य को भी बचाएगा। तो बच्चों, आप सब लोग अब समझ गए होंगे कि हम कैसे अपने वातावरण और पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। तो आओ बच्चों, हाथ बटाएं, ग्रीन क्रॉस मूवमेंट की शुरुआत करें।